Thank you very much, Dr. Lalit Mohan, to invite me. And this is for the first time I am delivering a lecture on this forum. First, I will like to welcome the Professor Om Prakash is there, Professor Chitra Pandey, Professor Puspa Joshi. I can show that Professor Sahu is there, Dr. Anurban Dandavat, Dr. Balam Bisht is also there, Dr. Sunita Upadhyay, Dr. Ranjana Shah. I welcome you all, Dr. Rakesh K. Joshi. मैं आपका स्वागत करती हूँ. और मैंने आपके लिए एक जनरल सा टॉपिक तैयार किया है जिसे मैं सोच रही हूँ कि ये एक जनरल सा टॉपिक है और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और उनके लिए उनका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में, क्योंकि मैं अपने विभाग के बहुत सारे बच्चों को इसमें देख रही हूँ. और ये इसलिए मैंने टॉपिक रखा है सिंपल सा, मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन पैटर्न्स. तो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत लोगों ने डिस्कस किया, मैम ने किया, अभी प्रोफेसर तिवारी ने किया. तो इसमें अगर आप देखेंगे कि मेडिसिनल प्लांट जो है वो एक मेजर सोर्स है मेडिसिन के, एंड दे आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. और इंडिया जो है वो इसका ट्रेडिशनल मार्केट है, बहुत पुराने समय से चरक संहिता और ये पुराने जितने भी हमारे वेद हैं उनमें इनके बारे में लिखा हुआ है. और अराउंड 20,000 मेडिसिनल प्लांट्स आर नोन. अभी तक 20,000 मेडिसिनल प्लांट जो है वो पता है वर्ल्ड में, जिसमें से 15% जो कि 3,000 से 3,500 जो इंडिया में मिलते हैं. और अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड जो है एक रिच सोर्स है मेडिसिनल प्लांट्स का, और बहुत डाइवर्सिटी है. अभी आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी और कीमो डाइवर्सिटी के बारे में मैडम ने बताया, तो वो हमारा जो उत्तराखंड एरिया है वो बहुत डाइवर्सिटी है वहां पर प्लांट्स की, तरह तरह के प्लांट्स मिलते हैं. और लगभग 964 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो है उत्तराखंड स्टेट में मिलती है. और आप ये देखेंगे कि करेंटली 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट ड्राइव्ड मेडिसिन. So it is very important. So medicinal plants are very important. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी जो लोग out of chemistry and out of botany हैं, और कई सारे subjects में मुझे वहां पर दिख रहे हैं, कुछ लोग economics से भी दिख रहे हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी. सारे लोगों ने बात की कि secondary metabolite, लेकिन ये secondary metabolite होता क्या है, और ये जो मेडिसिनल प्लांट है इनको हम मेडिसिनल प्लांट क्यों कह रहे हैं. मेडिसिनल प्लांट जनरली कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जब हमारे अंदर होती हैं या प्लांट्स में होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सकती है मे बी रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस. ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, और मे बी द एंड प्रोडक्ट्स. जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस हैं. और इन प्रोसेसेस के दौरान क्या होता है, कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंस जनरेट होते हैं. इसमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ को, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं, हमारे या प्लांट्स के. अगर प्लांट जो है कुछ ऐसे मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करता है, ऐसे केमिकल्स बनाता है जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, देन दे आर नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ओके, नाउ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर नोन एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो क्या होता है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे आपने सुना है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये ऐसी यूनिट्स हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ को बढ़ाती है या प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाती है. लेकिन जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जब वो उनका जब डिग्रेडेशन होता है शरीर में, तो वो क्या करते हैं, या प्लांट की बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के दूसरे मेटाबोलाइट्स बनाएंगे, सब्सटेंस क्रिएट करेंगे. और वो जो सब्सटेंसेस होंगे दे आर नॉट यूजफुल इन द डेवलपमेंट, इन द रिप्रोडक्शन और द ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट और ह्यूमन बीइंग, ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे इंक्लूड्स एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, सेपोनिन्स, एनिन्स, और उसी में जो हम
जो बात अभी मैम ने भी की थी, आपने देखा एसेंशियल ऑयल्स की मैम ने बात करी थी, तो एसेंशियल ऑयल्स जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि कहां से जनरेट हो रहे हैं, प्लांट से, और प्लांट्स के जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका एंड प्रोडक्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म की फॉर्म में वो सुरक्षा करता है प्लांट, तो वो स्ट्रेस को झेलने के लिए इस तरीके के मेटाबोलाइट्स को यूज कर सकता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट को, और हम उसे यूज करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को दे कैन यूज फॉर देयर, देखा आपने, फॉर देयर मेडिसिनल पर्पस, फॉर देयर न्यूट्रिशन पर्पस, तो डिफरेंट पर्पस के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे यूज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर एक्चुअली दे आर मोर इन केस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सो मेडिसिनल प्लांट्स से हम इनका दोहन करते हैं, इनको लेके इनका हम यूज कर सकते हैं, तो दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको हम, अब हमने कहा कि मेडिसिनल प्लांट क्यों है, दे आर मेडिसिनल प्लांट बिकॉज दे आर सिंथेसाइजिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे इंक्लूड्स फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स दे आर इन द कैटेगरी। तो इस वजह से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका यूज इन डिफरेंट फील्ड्स में किया जाता है, दे कैन बी यूज्ड इन द न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे कैन बी यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स, दे कैन बी यूज्ड इन द एरोमास्यूटिकल्स, इन द कॉस्मास्यूटिकल्स, एज डिसइंफेक्टेंट और रिपेलेंट एंड हर्बल स्पाइसेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू द माइंड, व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स दो वर्ड है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, स्यूटिकल्स मींस द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेस। ओके, तो जहां पर भी स्यूटिकल्स आएगा मतलब वो थेरेप्यूटिकल और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्चुअली दे आर द सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज फूड, न्यूट्रिशन तो होगा, फूड तो होगा, बट In addition to the food, it can provide the medical and health benefits. So they are known as nutraceuticals. जो nutrition भी देंगे, उसके साथ में क्या देंगे? उसके साथ में वो देंगे health benefits. For example, अभी बात हुई है herbal tea की, तो जो cinnamon है, उसकी herbal tea है. Many herbal drinks, जैसे rhododendron का herbal drinks हैं. टी है, जूसेस है, हर्बल सूप्स हैं, या कुछ ऐसे कैप्सूल्स भी आते हैं जैसे गिंको बाइलोवा का, अगर आप देखेंगे ब्रेन एनहांसिंग है, इनके कैप्सूल्स आ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में फूड का भी पूर्ति करेंगे और साथ में हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो द मेडिसिनल प्लांट्स दे कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यूट्रास्यूटिकल्स। Then the second kind of category of the substances, they are pharmaceuticals. So pharmaceuticals, आप जानते हैं, तो pharmaceuticals हैं, वो entirely, they are used to diagnosis, for the treatment and for the prevention of diseases and for restoring and correcting and modifying the organic functions. तो हम जैसे कहते हैं कि दवाई, तो फार्मास्यूटिकल्स हैं दवाई एक तरीके से, तो वो हम सिंथेसाइज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे मे बी एल्कलॉइड्स एंड दे हैव एंटीप्लाज्मोटिक एक्टिविटी, एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक, डायूरेटिक एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, so they show different kind of activities. Like the other kind of secondary metabolites are phenols and flavonoids, and they can be acts as antioxidant. Antioxidant बहुत important part है आज हमारी जिंदगी का, क्योंकि हम सब stress में हैं, और कोविड की वजह से तो बहुत सारे लोग, क्योंकि उनकी नौकरी का लॉस हुआ है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, सब घर के अंदर हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, और उस फ्री रेडिकल की वजह से हमारे जो सेल डैमेज होते हैं, उस सेल डैमेज को कैसे हम बचाएंगे, जनरली बाय टेकिंग द एंटी ऑक्सीडेंट मटेरियल्स। इसीलिए हम तुलसी खाते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि काली
मिर्च खाओ, हमसे कहा जा रहा है लौंग खाओ, हल्दी खाओ, तो ये जो है ये क्या किस तरीके से एक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करते हैं. सो दीज आर फ्लेवोनॉइड्स. द अदर कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, दे आर सैपोनिंस. दे हैव एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, प्लांट डिफेंस एक्टिविटीज. Then the other category is terpenoid, जिसके बारे में अभी बात हुई थी, essential oils, जो मैम ने अभी, चित्रा मैम ने अभी बताया था, वो terpenoids थे. और terpenoids की बहुत various इसकी एक property है, they can show antiviral, anti-helminthic, antibacterial, anti-cancer, anti-malarial, anti-inflammatory properties. And the other categories like glycosides, steroids, statins, they are the other categories of secondary metabolites which can be used for the pharmaceuticals by the pharmaceutical industries. The third kind of use is aromaceuticals. So these the secondary metabolites wo use kiye ja sakte hain aroma means khushbu. Jahan par bhi aisi hame vastu ki zarurat hai jisme hame khushbu chahiye, jaise hum air freshener use karte hain aur aapne padha hoga wahan par aap dekhenge lavender, lemon. तो आपने ये टर्म भी पढ़े होंगे, भाई मुझे लेवेंडर वाला चाहिए. या आपने अगरबत्ती पढ़ी हो, अगरबत्ती आप खरीदते हैं, आप कहते हैं मुझे चंदन वाली चाहिए, मुझे लेवेंडर वाली चाहिए. तो क्या है उसमें जो प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, दैट एक्सट्रैक्ट में विद एसेंशियल ऑयल, जनरली जो खुशबू वाले जो जो सब्सटेंसेस है वो एसेंशियल ऑयल से है. तो वहां प्लांट ओरिजिन से हम खुशबू वाली अगर जो तत्व है, अगर सब्सटेंसेस हम ले लें और उसका हम यूज जो है वो जैसे डिटॉल्स एंड सोप्स में भी हम इनका यूज कर सकते हैं. तो लगभग 22,000 आइसोप्रेनॉइड्स हैं जो प्लांट जनरेट करता है और उन आइसोप्रेनॉइड्स का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जा सकते हैं. एंड दे आर द कंपाउंड्स हैविंग सम एरोमा. ओके, then the other kind of uses is cosmeticals. So aap jante hain different type ki cosmetic products. Ab cosmetic products jo hain wo kai tarike ke ho sakte hain, lekin kuch aise cosmetic products hain jo therapeutic, जो हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं. जैसे आप जानते हैं हम बाहर जाते हैं धूप में तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं. सनस्क्रीन हम लगाते हैं तो सनस्क्रीन में हमारे लिखा हुआ था, देखिए SPF, सो दिस इज द प्रोटेक्शन फैक्टर. ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है. जो SPF है हमें UAA रेडिएशन से बचाता है. और जो हमें PA है ये भी एक फैक्टर है और ये हमें बताता है UVB काइंड की रेडिएशन से. तो जो UVB काइंड की रेडिएशन से है वो स्किन के अंदर चली जाती है और जो UVA टाइप की रेडिएशन है वो स्किन के बाहर रहती है. तो जिसकी स्किन सेंसिटिव होगी उसकी स्किन में आपने देखा होगा जैसी धूप में जाते हैं लाल हो जाती है. तो उससे बचने के लिए क्या बनी हुई है, सनस्क्रीन. तो ये सनस्क्रीन जो है वो कहाँ से आप प्रोडक्ट लेंगे, दे आर टेकन फ्रॉम दी प्लांट्स. वो प्लांट्स से लेंगे और उस तरीके के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, कॉस्मेट्यूटिकल्स. तो जो मेडिसिनल प्लांट है उनका यूज कॉस्मेट्यूटिकल्स की तरह भी होता है. उस कॉस्मेटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ जो मेकअप के लिए यूज होगा, उस कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ वो कॉस्मेटिक्स जो की ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा वो कॉस्मेट्यूटिकल्स कहलाएगा. बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं स्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक प्लस स्यूटिकल्स मीन्स जो मेडिसिनल प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्मेटिक्स में यूज होंगे फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेस. तो ये मेडिसिनल प्लांट्स मे बी एरोमेटिक मे बी नॉन एरोमेटिक, तो वो उनके जो सब्सटेंसेस हैं वो, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई मुझे तो हर्बल चाहिए, हर्बल क्रीम, हर्बल कलर. तो हर्बल क्यों चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं. वो हम कहाँ से लेते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स से. Then the other kind of category is the disinfectants. तो ये जो medicinal plants हैं वो herbal disinfectants की तरह act कर सकते हैं, उनके extracts. जैसे for example जो herbal disinfectants हैं वो alpha pinene है, alpha philandrine है जो कि eucalyptus से मिलता है. इसके अलावा borneol है, strychnine है, ये chrysanthemum से मिलते हैं. तो ये जो plants हैं इनसे हमें कुछ ऐसे
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जिनका यूज हम किस में कर सकते हैं, हर्बल डिसइंफेक्टेंट्स में। जैसे हम पोछा लगाते हैं, हमको चाहिए डोमेक्स या हमें कोई स्प्रे चाहिए, हम कहेंगे कि हमें हैंड सैनिटाइजर चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, हमें हर्बल चाहिए, हमें हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट चाहिए मॉस्क्यूटो और कॉकरोच को हटाने के लिए। तो वो क्या होता है, वो जो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, डिसइंफेक्टेंट है और वो हमें हर्बल चाहिए। हम हर बात में कहते हैं, जब दुकान में जाते हैं तो कहते हैं मुझे हर्बल चाहिए, मुझे केमिकल नहीं चाहिए। क्यों? केमिकल इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज केमिकल्स हैव द साइड इफेक्ट्स। सो दीज डिसइंफेक्टेंट्स दे आर प्लांट ओरिजिनेटेड, सो दे आर वेरी लेस टॉक्सिक, सो वी रिक्वायर दीज काइंड ऑफ हर्बल डिसइंफेक्टेंट्स। और दूसरी एक बात जो है वो है इजियर एप्लीकेशंस एंड प्रिपरेशंस, लिटिल डैमेज, एंड सबसे बड़ी जो बात है वो है लेस ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये लेस ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज द हर्बल स्पाइसेस, सो द मेडिसिनल प्लांट्स दे कैन बी यूज्ड एज हर्बल स्पाइसेस, सब जानते हैं, इसमें बहुत नहीं बताना है, जो कि फ्लेवरिंग एंड टेस्ट को एनहांस करते हैं। ये डिफरेंट काइंड के मसाले जो हम घर में यूज करते हैं, हमको कोई भी खाना बनाना है तो हम उसको एनहांस करने के लिए, उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट काइंड के जो हर्बल स्पाइसेस यूज करते हैं वो भी मेडिसिनल प्लांट्स से हमें मिलते हैं। तो हमें इन मेडिसिनल प्लांट्स को यूटिलाइज भी करना है और उनको बचाना भी है और उनको कंजर्व करना है, जितना हो सके हम उनको अपने घरों में भी लगाएं, कोशिश करें अगर वो हो सकते हैं हमारे घरों में। तो ये कुछ लिस्ट है जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है, अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो शी और ही कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस टेबल। इन दिस टेबल आई हैव शोन द न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट्स, द प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, द प्लांट्स दैट आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, द मेडिसिनल प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज द एरोमास्यूटिकल्स, दैट आर यूज्ड एज कॉस्मास्यूटिकल्स, दैट आर यूज्ड एज हर्बल डिसइंफेक्टेंट्स एंड दैट आर यूज्ड एज हर्बल स्पाइसेस। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द प्लांट्स, दिस इज द अदर लिस्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन be used for different purposes. Then essential oil comes to the I am coming to the essential oil. Some of the plants I will discuss. Essential oil के बारे में बहुत बात हो चुकी है। ये एक खुशबूदार मिक्सचर है। अगर आप तुलसी को सूंघिए तो खुशबू आती है, लेकिन अगर आप मेंथा को सूंघिए तो खुशबू आएगी, लेकिन आप हजारी के पत्ते को सूंघिए आपको खुशबू आएगी, लेकिन अगर आप ओक को सूंघेंगे, अगर आप बांज की पत्ती को सूंघेंगे तो आपको उतनी उस तरीके की खुशबू, या किसी आप घास को सूंघिए जिसमें खुशबू नहीं है तो घास से आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। प्लांट्स ओरिगानो वल्गेर, यू नो इट इज यूज्ड एज द फ्लेयरिंग फ्लेवरिंग एजेंट, समटाइम्स ड्राइड पार्ट्स दे आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एजेंट। देन थोड़ी सी मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे प्रोफेसर ओपी सर ने ये एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आपको बता दी हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इनका जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका एरोमेटिक प्लांट से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। बहुत पुरानी टेक्निक है मैसरेशन टेक्निक। मैसरेशन टेक्निक में जो जो हमारा प्लांट मटीरियल है उसको किसी दूसरे ऑयल के साथ मिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद वो जो ऑयल है वो उसमें से ऑयल को ले लेता था प्लांट मटीरियल में से, और इसको इन्फ्यूज्ड ऑयल कहते थे। एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट, वो इन्फ्यूज्ड ऑयल था। देन कोल्ड प्रेसिंग इज अनदर प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ वेरी, दिस इज द मैसरेशन प्रोसेस जो कि बहुत पहले समय में की जाती थी। Then this is the solvent extraction, सब बच्चे जानते हैं, सिंपल सा मेथड है जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स में आप ये दो इमिसिबल लिक्विड है इसमें हम अपने से हम डिफरेंट काइंड के जो उसके प्रोडक्ट हैं उसमें से उसको सेपरेट कर सकते हैं। देन दिस मेथड इज हैज आल्सो बीन शोन बाय द प्रोफेसर ओम प्रकाश, एंड इन दिस फैट एनिमल फैट इज यूज्ड द फ्लावरिंग मटेरियल दे और दो एरोमेटिक प्लांट उसको हम ले लेंगे और जो जो फैट होता है वो फ्लेयरिंग एजेंट्स को क्या करेगा उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा फैट में। The other methods are, this is hydro distillation, this is steam distillation, and this is again steam distillation. The other methods are
The carbon dioxide supercritical carbon dioxide extraction method and ये बहुत useful method है आजकल जो चल रहा है. हालांकि इसके लिए instrument चाहिए क्योंकि carbon dioxide generally normal temperature पर gas है और ये अगर critical pressure और critical temperature से अगर ये ऊपर हम इसको कर दें तो ये एक liquid की तरह act करेगी और वो liquid में फिर हम क्या कर सकते हैं aromatic plant material को extract कर सकते हैं for extraction of essential oil. Then these are different methods which have been discussed by Professor OP sir. तो उसको मैं ज़्यादा discuss नहीं करूँगी. सिर्फ ये बता रही हूँ कि mass spectrometry, NMR, optical. हेलो मैम. हेलो मैम, हाँ तो मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊं. हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम मैम, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू मैम. हाँ तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेडिसिनल कंपाउंड्स के बायोएक्टिव कंपोनेंट्स को जो अफेक्ट करते हैं दैट आर क्लाइमेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग अल्टीट्यूड, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल, इरिगेशन, ये अफेक्ट करते हैं क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स के कंपोनेंट्स को. इसलिए ये देखना जरूरी है कि हमें प्लांट को कहाँ लगाया जाए. जरूरी नहीं कि वो प्लांट को अगर मैं नैनीताल लगाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छे उसमें कंपोनेंट मिलेंगे और वो बायो एक्टिव होंगे. तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा ध्यान से कि वो किस एरिया में वो जो प्लांट है वो ग्रो करेगा और उसके जो कंपोनेंट है वो इम्पॉर्टेंट उसमें जनरेट होंगे. देन द फिजिको केमिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल ये इफेक्ट करेगी. देन ग्रोथ स्टेजेस एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स लाइक ड्राइंग. तो मैं जल्दी जल्दी आपको स्लाइड आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम कुछ कम लग रहा है. ये कुछ आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा अल्टीट्यूड इफेक्ट करती है. जैसे क्लोव है वो 900 मीटर तक मिलेगा और सिनेमोन है वो 1000 मीटर तक ग्रो करेगा. तो वहां पर जो उनके अंदर जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे अगर हम उसको एक्सेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन दें जिस पर वो ग्रो कर सके. जैसे कैम्फर एंड कॉफी है वो फ्रॉस्ट में कल्टीवेट नहीं किए जा सकते जबकि सेफ्रॉन है उसको कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करेंगे. पायरेथ्रिन है उसको ड्राई वेदर चाहिए. तो अलग अलग वेदर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही वो प्लांट जो है वो क्या होगा वो सिंथेसाइज करेगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को. देन अगर हम जीरोफाइट्स को छोड़कर बाकी प्लांट्स को देखें तो उनको प्रॉपर वाटर चाहिए प्लांट इरीगेशन के लिए. तो ये आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड कर रहा है. अगर ऑर्गेनिक मैटर 0.5% से कम है तो पुअर सॉइल है. तो जो भी इन मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं एक्चुअली उन्हें अपनी सॉइल की भी इलाज कराना पड़ेगा. अपनी सॉइल का इलाज कराना पड़ेगा. अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, अगर उसका पीएच रेंज जो है वो ठीक नहीं है तो उसको रिक्लेमेट करना पड़ेगा. या फिर जो जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो एसिडिक सॉइल में नहीं हो पाएंगे क्योंकि नोड्यूल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे. तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी पीएच रेंज है, क्या उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं. उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट को वहां पर ग्रो करना है. तो उसके लिए फार्मर को या जो भी ग्रो कर रहे हैं उनको पहले अपनी सॉइल की हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा. उसके बाद वो उसमें कुछ ऐड करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दे कैन रिक्लेमेट देन दे कैन ग्रो देयर क्रॉप्स. देन देखिए आप बैलेंस को बता दीजिए जो न्यूट्रिएंट है दैट शुड आल्सो बी बैलेंस्ड. देन दीज आर जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हमने ऑप्टिमम सेंटर जो अभी मैम ने बात करी लता राणा ने ये प्रिपेयर किया है. सुनीता भट्ट ने मेरी हेल्प करी थी काफी प्रेजेंटेशन बनाने में क्योंकि बहुत जल्दी काम था. ये टेबल से और ये देखिए आप ऑसिमम सेंग के उसने डिफरेंट दिखाए कि अगर हम उसका एरियल पार्टिशन डियर पार्टिसिपेंट्स कुछ दिक्कत आ रही है शायद टेक्निकल. तो आप देखिए मैं ये ऑसिमम सेंगटन की आपको टेबल दिखा रही थी.
सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट जगह बोने से देखिए क्या होता है, अलग अलग जगह आप शो करेंगे. और ये कुछ हमारे रिसर्च पब्लिकेशन हैं जो इसी से निकले हैं, जहां पर आप देखेंगे कि क्या कंडीशंस का इफेक्ट है. ये हमारे मैम के साथ के ग्रुप के हमारे रिसर्च पब्लिकेशन जो हमारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे अफेक्ट कर दिए. कंक्लूड कर रही हूँ. अब आप देख सकते हैं कि स्टोरेज कंडीशन जैसे मॉइस्चर है, देखिए अफेक्ट करता है. क्यों, हमें क्या करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. टेम्परेचर अफेक्ट करता है, तो जहां हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर के पर्पज से मैंने आपको बताया है कि वेल वेंटिलेटेड ट्रांसपोर्ट फास्ट होना चाहिए जब भी, क्योंकि आपने ग्रो तो कर दिया, उसके बाद आपको स्टोर करना है मटेरियल. तो स्टोर करने के लिए आपको मॉइस्चर देखना है, टेम्परेचर देखना है, शेल्फ लाइफ की प्लांट मटेरियल की शेल्फ लाइफ कितनी है. तो आप जल्दी जल्दी उसको जो है वो अगर कम है तो आप उसको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करेंगे. देन पैकेजिंग, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोरेज ये मैंने आपको दिखाया है कि पैकेजिंग मटेरियल डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे. देन फंजाई और मोल्ड एंड इंसेक्ट पेस्ट से भी बचना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है अभी आपने देखा कि बारिश हुई सारा गेहूं बर्बाद हो गया क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम थी. फसल अच्छी हुई लेकिन स्टोरेज ने दिक्कत की, तो इसलिए स्टोरेज इज द प्रॉब्लम. तो हमको मेडिसिनल प्लांट के स्टोरेज में मॉइस्चर, टेम्परेचर, फंजाई और पैकेजिंग इसका विशेष महत्व देना है. और देन थैंक यू वेरी मच ललित जी, आपने मुझे मौका दिया. और धन्यवाद जितने मेरे प्रोफेसर ओपी सर बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, और प्रोफेसर चित्रा मांडे मैम जिनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है. मैम के साथ ही मैंने ये काम सीखा है. एंड जो आपने मुझे इतना इसका अपॉर्चुनिटी दी ललित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पेशेंसली सुना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेक्टिव lecture for different important medicinal plant and aromatic plants in Uttarakhand. Now